हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन आपको बड़ी ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है कि यदि पी रेशियो क्यू इक्वल टू 5:8, क्यू रेशियो आर इक्वल टू 12:7 एंड आर रेशियो एस इक्वल टू 14:15 है तो पी रेशियो एस का मान होगा। तो गाइस, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे समीकरण बना देंगे कि पी रेशियो क्यू इक्वल टू 5:8, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड है क्यू रेशियो आर इक्वल टू 12:7, इक्वेशन सेकंड हो गया। एंड आर रेशियो एस इक्वल टू 14:15, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब समीकरण एक गुड़े दो गुड़े तीन से, अर्थात तीनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पी रेशियो क्यू को हम लिख सकते हैं पी अपान क्यू इंटू, क्यू रेशियो आर को लिख सकते हैं क्यू अपान आर इंटू, आर रेशियो एस को लिख सकते हैं आर अपान के एस इक्वल टू 5:8 को 5/8 इंटू 12:7 को 12/7 इंटू 14:15 को 14/15। अब गाइस, यहां क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी अपान के एस इक्वल टू, अब इसे हम कैंसिल करेंगे 7 से 14 को 2 बार में और 2 से 8 को 4 बार में और 4 से 12 को 3 बार में और 3 से 15 को 5 बार में। तो यहां से बचेगा हमारा 5/5 और इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1, अर्थात पी रेशियो एस इक्वल टू 1:1 यहाँ पे लिखेंगे। अतः जो ऑप्शन हमारा सी है ये सही हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हम ऐसे ही मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।